लास्ट क्लास में हमने लिंक्ड लिस्ट पढ़ा था डेटा स्ट्रक्चर में, देन लिंक्ड लिस्ट के हमने कुछ पॉइंट्स निकाले थे और लिंक्ड लिस्ट सिंगल लिंक्ड लिस्ट का हमने इम्प्लीमेंटेशन भी किया था। उस इम्प्लीमेंटेशन को थोड़ा और आगे हम बढ़ाएंगे एक बार और शुरुआत से हम लिंक्ड लिस्ट का इम्प्लीमेंटेशन करके देन लिंक्ड लिस्ट के बाकी के टाइप्स पे भी हम स्विच करेंगे। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं लिंक्ड लिस्ट। लिंक्ड लिस्ट एक क्लास हम क्रिएट करते हैं, इस क्लास का नाम रखते हैं हम नोड। लिंक्ड लिस्ट क्लास में हमें क्या क्या चीजें चाहिए होंगी, लिंक्ड लिस्ट में हमें चाहिए होगा इंट फॉर्म में डेटा, नोड, देन नेक्स्ट, void display node, node को हमें display कराना है, system.out.println, and print कराना है हमें data, tab space, node हमने यहाँ पर create कर लिया। अब एक single linked list का हम program create करेंगे और जितने भी यहाँ पर ऑपरेशन है वो हम परफॉर्म करेंगे। सिंगल लिंक्ड लिस्ट मेन मेथड हम क्रिएट कर देते हैं, देन लिंक्ड लिस्ट में जो स्टार्टिंग नोड के एड्रेस को या स्टार्टिंग नोड के रेफरेंस को जो स्टोर करता है उसको हम क्या बोलेंगे, हेड। यहां पर मैं एक हेड क्रिएट कर देता हूं जो किस टाइप का होगा, नोड टाइप का होगा। By default अभी head की value क्या है, null, मतलब खाली। एक object हम create करते हैं single linked list SLL equal to new single linked list। तो object of single linked list class हमने यहाँ पर create कर दिया। Then अब हमें elements को insert करवाना है, तो elements insert करवाने के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ void insert from या insert फर्स्ट, शुरुआत से यानी कि हेड के पार्ट से हमें इंसर्ट करवाना है इंट वैल्यू। ओके, इंसर्ट क्या करवाना है, एक नोड, तो नोड टाइप का एक ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। हम यहाँ क्या लिखेंगे, नोड n इक्वल टू न्यू नोड और n डॉट डेटा में स्टोर करवा देते हैं वैल्यू एंड n डॉट हेड की वैल्यू, n डॉट नेक्स्ट की वैल्यू में हम क्या डाल देते हैं, हेड की वैल्यू और हेड को हम क्या बना देते हैं n। अगर देखा जाए तो मैं यहाँ पर इस जगह इंसर्ट में करवा रहा हूँ एलिमेंट को, तो अभी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ sll डॉट इंसर्ट फर्स्ट। सबसे पहले हम इंसर्ट करवा देते हैं वन को, देन इंसर्ट करवा देते हैं टू को, देन थ्री को, देन फोर को, देन फाइव को। तो इंसर्ट टू थ्री फोर एंड फाइव, तो फाइव वैल्यूज को मैं इंसर्ट करवा रहा हूं फ्रॉम फर्स्ट एंड से। नाउ इंसर्ट हेड, सॉरी इंसर्ट फर्स्ट, फर्स्ट को इंसर्ट वन को इंसर्ट किया, वैल्यू कितनी हो गई वन, एक नया नोड क्रिएट हुआ। ओके, नया नोड क्रिएट हुआ, इस नोड में डेटा पे हमने क्या डाल दिया वन, और जो नल पार्ट सॉरी जो नेक्स्ट पार्ट है उसकी वैल्यू क्या हो गई नल, बिकॉज अभी हेड कितना है नल। और इस पूरे एन को मतलब इस पूरे नोड को क्या बना दिया गया हेड, इस पूरे नोड को क्या बोलने लगे हम हेड। ठीक है, अब फिर से इंसर्ट किया हमने फ्रॉम फर्स्ट, क्या इंसर्ट किया टू, तो वैल्यू कितना हो गया टू, एक नया नोड क्रिएट हुआ। चलिए क्रिएट कर देते हैं एक नया नोड क्रिएट हुआ जिसमें टू कहाँ जाके स्टोर हो गया डेटा पार्ट पे, और
हेड, अभी हेड क्या है, ये रहा, ये जो हेड है ये कहां जाके स्टोर हो गया, यहां इसके इस नए नोड के नेक्स्ट पे। देन अब इस पूरे को क्या मानने लगे हम, हेड। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, अब आया थ्री, वैल्यू कितना हुआ थ्री, तो एक नया नोड क्रिएट हुआ, डेटा कितना थ्री और हेड, हेड ये पूरा ही है, ये हेड नए नोड के नेक्स्ट में स्टोर हो गया, तो नए नोड के नेक्स्ट में स्टोर हो गया। क्लियर? और इस पूरे नोड को हम क्या बोलने लगे, हेड। अब क्या इंसर्ट हुआ, फोर, वैल्यू कितना हुआ फोर, एक नया नोड क्रिएट हुआ और वैल्यू या उसका डेटा क्या हो गया फोर, और जो हेड है मतलब ये पूरा हेड, ये कहां चला गया, नए नोड के नेक्स्ट पे, नए नोड के नेक्स्ट पे स्टोर हो गया। देन फिर आते हैं हम, ये जो नया नोड है इसको क्या बोलने लगे, हेड। अब हमने स्टोर किया फाइव, फाइव को स्टोर किया तो फाइव, ये इंसर्ट फर्स्ट मेथड कॉल हुआ, देन वैल्यू कितना हुआ फाइव, अब नया नोड क्रिएट हुआ, नए नोड पे वैल्यू मतलब जो फाइव है वो कहाँ चला गया, इस नोड के डेटा पार्ट पर, और नेक्स्ट पार्ट जो है वो क्या है, हेड, तो ये पूरा हेड है, ये हेड कहाँ स्टोर हो गया, इस फाइव का नेक्स्ट, और इस पूरे को क्या मानने लगे हम, हेड, तो ये पूरा क्या हो गया, हेड। आया समझ में? अब आप देख रहे हो जो सबसे पहले इंसर्ट हुआ था वो सबसे लास्ट में हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, लिस्ट के अंदर, लिस्ट के अंदर लिस्ट कुछ इस तरीके से हमें दिखाई दे रही, लेकिन जब हम थ्योरेटिकली इसको बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको ब्लॉक वाइज डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, एक्चुअल में ये कुछ इस तरीके से दिख रही है, ठीक है। अब एलिमेंट्स को मुझे प्रिंट करवाना है, तो प्रिंट करवाने के लिए क्या क्या चीजें हमें चाहिए होंगी, एलिमेंट्स को प्रिंट कराना है तो प्रिंट, ओके, प्रिंट करा लो, वॉइड, देन नोड करंट इक्वल टू हेड, तो करंट नोड को हम क्या बोलते हैं, हेड, और लूप चलाएं व्हाइल, जब तक करंट की वैल्यू Not equal to null है तब तक लूप चलता जाए, जैसे ही null हो जाए तो लूप क्या हो जाए, break। यहां देखें, अब हम call कर देते हैं display node को, तो current node इसको call कर रहा है, display node को, और display node call होने के बाद current की value को हम वापस update करें, करंट डॉट नेक्स्ट, नेक्स्ट मेथड नहीं है, नेक्स्ट, करंट की स्पेलिंग गलत होगी भाई, ओके। अब मैं आपको यहां पर डिस्प्ले कॉल करके बता रहा हूं, और डिस्प्ले कॉल होगा कैसे, sll डॉट डिस्प्ले। अब जैसे ही हमने डिस्प्ले कॉल किया तो क्या होने वाला है, देखिए, हेड, ये पूरा हेड है, ये कहां जाके स्टोर हो गया, करंट में, तो क्या ये पूरा हेड खाली है, नहीं खाली नहीं, अंदर गया, तो इस हेड का क्या करो, डिस्प्ले कराओ, डिस्प्ले नोड मेथड को कॉल, तो ये हेड अपने डिस्प्ले नोड मेथड को कॉल कर रहा है, तो इसका डेटा क्या हो गया, प्रिंट होगा, तो इस पूरे हेड का, ये तो डेटा है और ये क्या है, नेक्स्ट पार्ट, ठीक है, डेटा वाला पार्ट प्रिंट किया तो कितना प्रिंट हुआ, फाइव, फाइव प्रिंट हुआ, तो मैं काम करता हूँ, जो प्रिंट होता जा रहा है उसको मैं हटाता जाता हूँ, तो फाइव प्रिंट हुआ, अब फाइव नहीं बचा, और जो करंट है उसका जो नेक्स्ट है अब क्या बन जाए, हेड, तो ये इतना पार्ट क्या बन गया, अब हेड, लूप फिर चला, ये जो हेड है नॉट इक्वल टू नल है क्या, हाँ भाई नल है, क्योंकि डेटा रखा हुआ, नॉट इक्वल टू नल, देन इसने कॉल किया किसको, डिस्प्ले नोड को, डिस्प्ले नोड ने क्या प्रिंट किया, डेटा,
तो भाई ये है हेड की डेटा और ये है हेड का नेक्स्ट। क्या प्रिंट करने का बोला? डेटा, तो डेटा प्रिंट किया जो कितना है 4, ठीक है 4 प्रिंट किया। और जो करंट का जो नेक्स्ट है, ये करंट है और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो कितना है? इतना। करंट का जो नेक्स्ट है वो अब क्या बन जाए? करंट, ठीक है, मतलब इतना पार्ट क्या हो गया? हट गया। लूप फिर चला, करंट, करंट अभी क्या है? हेड ही है। तो करंट, करंट नॉट इक्वल टू नल, यस अभी फिल है, दिख रहा है आपको, तो नॉट इक्वल टू नल अंदर गया। तो करंट का डेटा प्रिंट कराइए, तो इस करंट का डेटा कितना है? 3, 3 प्रिंट हो गया। 3 प्रिंट होने के बाद करंट का जो नेक्स्ट वाला पार्ट है, मतलब इतना पार्ट, वो क्या बन जाए? करंट बन जाए। मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि प्रिंट हो गया। तो अब करंट क्या बन गया? ये तो करंट नॉट इक्वल टू नल है क्या? यस, अंदर गया, डिस्प्ले करवा दिया डेटा, डेटा डिस्प्ले किया, तो डेटा क्या डिस्प्ले हुआ? 2। अब 2 डिस्प्ले हुआ, करंट का जो नेक्स्ट है वो क्या बन गया? करंट। तो ये करंट है पूरा और करंट का नेक्स्ट पार्ट कितना है? इतना, ठीक है, ये क्या बन गया? करंट। तो इसको मैं हटा देता हूँ। क्या करंट नल के बराबर है? करंट नॉट इक्वल टू नल, ट्रू, ट्रू है तो अंदर गया। तो करंट का डिस्प्ले करवाइए डेटा, डेटा डिस्प्ले करवाया, तो क्या डेटा डिस्प्ले हुआ? 1। और करंट का जो नेक्स्ट है वो क्या बन गया? करंट। तो करंट का ये पूरा करंट है, इसका नेक्स्ट क्या है? नल। तो नल क्या बन गया? करंट। तो नल नल के इक्वल है क्या? नल नॉट इक्वल टू नल है क्या? फॉल्स। लूप क्या हो गया यहाँ पर ही? फॉल्स हो गया। अब फॉल्स हुआ तो क्या क्या प्रिंट होता हुआ हमें दिखाई दिया? 5, 4, 3, 2, 1। रन कराएं, 5, 4, 3, 2, 1। समझ में आया? यस और नो? ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट आते हैं। इंसर्ट करवाना है हमें एलिमेंट को, लेकिन फ्रॉम लास्ट। तो मैं सिंपली यहाँ पर लिख देता हूँ, कोई भी नोड को आप लास्ट में इंसर्ट करवाओगे तो उसका नेक्स्ट पार्ट हमेशा क्या होगा? नल। नेक्स्ट वैल्यू एंड में हम इंसर्ट करवाएं, तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं और यहां पर मैं पेस्ट कर देता हूं। यहां लिख देते हैं इंसर्ट लास्ट, वैल्यू इंसर्ट करवानी है, लेकिन पहले हमें यह चेक करना पड़ेगा कहीं हेड खाली तो नहीं। इफ हेड की वैल्यू क्या बराबर है नल के, अगर है तो एक नया नोड डाल दो उसे, ठीक है, नया नोड डाल दीजिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो हमें फिर चेक करना पड़ेगा कि लास्ट नोड कौन सा है। तो यहां लिखेंगे हम करंट, इस टाइप का नोड टाइप का, तो नोड करंट इक्वल टू हेड, और हम चेक करते जाएं ये करंट कब तक हमें मिल रहा है। क्या लिखेंगे? करंट डॉट नेक्स्ट की वैल्यू नॉट इक्वल टू नल है क्या? तब तक ये लूप चलता रहे। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, हमने लूप हम ढूंढते गए वैल्यूज को, तो हम क्या करें, जो करंट है इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट वैल्यू में स्टोर करें, करंट डॉट नेक्स्ट की वैल्यू हम करंट में स्टोर करवा दें। देन करंट में स्टोर कराने के बाद वापस आप क्या करिए,
एक नया नोड क्रिएट करें। नया नोड क्रिएट किया, ठीक है, देन यहां पर हम लिख देते हैं n डॉट डेटा इक्वल टू क्या स्टोर हो जाए वैल्यू, देन n डॉट नेक्स्ट इक्वल टू n डॉट नेक्स्ट की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, नल रहेगी। क्यों नल रहेगी, जैसे कि मैंने यहां पर एक एलिमेंट स्टोर करवाया, ये पहला एलिमेंट है, इसको क्या बोल दिया हमने हेड। अब ये हेड है तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है ये क्या है, हेड है मतलब नल है, नल है। अब मुझे कोई नया एलिमेंट इसमें स्टोर करवाना है, इसमें कोई नया एलिमेंट स्टोर करवाना है तो इस नए नोड का जो नेक्स्ट होगा वो क्या हो जाएगा, यहां पर मैं लिख देता हूं, जो नया नोड है उसका जो नेक्स्ट है वो भी क्या होगा, नल ही होगा। लेकिन ये जो हेड है, ये जो हेड है इसका नल अब क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और इसके नल में किसका एड्रेस या किसका रेफरेंस हो जाएगा, इस नए नोड का। तो हमें हेड को क्या करना पड़ेगा, अपडेट। यहां लिख देते हैं एंड डॉट नेक्स्ट, ये तो नल ही है, यहां लिख देते हैं करंट डॉट नेक्स्ट, उसमें क्या स्टोर हो जाए एन, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं हम सही डायरेक्शन में हैं या नहीं। इसको मैं यहां पर कमेंट कर रहा हूं इन सभी इनपुट्स को। यहां हम लिख देते हैं एस एल एन डॉट इंसर्ट लास्ट 1 2 3 4 5 2 3 4 5, 5 एलिमेंट्स हम यहां पर इंसर्ट करवा रहे, ठीक है जी। तो सबसे पहले 1, वैल्यू कितना हुआ 1, हेड अभी खाली है, जी हाँ बिल्कुल हेड अभी खाली है, हेड खाली है। तो एक नया नोड क्रिएट करिए, मैं वापस आप कुछ ऐसे कमेंट्स करके बता देता हूँ कि अभी हेड खाली है तो एक नया नोड बन जाए और उस नोड में क्या स्टोर हो जाए वैल्यू, अभी क्या आया 1, और उसका नेक्स्ट पार्ट में क्या आ गया नल, ठीक है। और इस पूरे को हमने क्या बना दिया हेड, ओके, इस पूरे को हमने बना दिया हेड। नाउ अब 2 आया, वैल्यू कितनी हो गई 2, क्या हेड खाली है, नहीं हेड भरा हुआ है, इफ की कंडीशन फॉल्स, कहां गया एल्स पे। एक करंट नोड, अब हेड मतलब इस हेड को क्या मान लिया करंट, करंट नोड, सॉरी यहाँ करंट नोड में क्या स्टोर कर दिया हमने हेड की वैल्यू, तो करंट की वैल्यू ये थी। करंट का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल है क्या, फॉल्स, अभी ये करंट है इसका जो नेक्स्ट है वो नल है, तो नल नॉट इक्वल टू नल, फॉल्स, फॉल्स हुआ तो कहाँ आया अंदर, अंदर आया सॉरी इस लूप के बाहर आया, लूप के बाहर आया तो क्या बना एक नोड बन गया। नोड के डेटा में क्या डाल दिया वैल्यू, और वैल्यू कितनी डाली 2, ओके। और इस एन का जो नेक्स्ट है बाय डिफॉल्ट वो क्या है नल, ठीक है, एन का जो नेक्स्ट है वो क्या बन गया एन का जो नेक्स्ट है वो क्या हो गया नल, क्योंकि उसे हमें इनिशियलाइज ही नहीं किया है। आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो एन डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नल, देन करंट, करंट कौन है ये रहा, तो करंट के नेक्स्ट में क्या स्टोर हो जाए ये एन, तो ये जो एन है ये करंट के नेक्स्ट में स्टोर हो जाए, ठीक है, एज मतलब। देन अब वैल्यू कितनी हुई 3, तो
हेड खाली है क्या? फॉल्स। करंट हेड की वैल्यू, हेड की वैल्यू अभी हेड क्या है? ये रहा करंट वन, क्या हो गया? करंट बन गया। करंट का नेक्स्ट जो है, करंट का नेक्स्ट जो है क्या वो नल के इक्वल नहीं है क्या? ट्रू, ट्रू है। तो अंदर गया, अंदर गया तो करंट का जो नेक्स्ट है, करंट का जो नेक्स्ट है मतलब ये रहा, इसको कहां डाल दिया? करंट, सॉरी, करंट का जो नेक्स्ट है इसको कहां डाल दिया? करंट में। और पूछा कि इस वाले करंट का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल है क्या? फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया तो बाहर आया, बाहर आने के बाद वापस एक लूप चला, सॉरी वापस एक नोड बना। नोड में डेटा कितना डाल दिया? थ्री। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या हो गया? नल। और क्या बोला कि करंट कौन सा है? ये रहा, ये करंट चल रहा है, करंट का नेक्स्ट मतलब ये। तो करंट के नेक्स्ट में क्या डाल दो? एन, मतलब नया नोड। तो ये जो नोड है ये कहां डाल दिया? करंट के नेक्स्ट में। क्लियर? ऐसे समझ में। इसी तरीके से क्या होगा, यहां पर आ जाएगा फोर नल, देन अगले आइट्रेशन में यहां पर क्या आ जाएगा? फाइव नल। क्लियर? सेव करें और रन कराएं। अब आंसर कितना आना चाहिए? वन टू थ्री फोर फाइव। यह क्या? वन टू थ्री फोर फाइव। ओके, क्लियर? नाउ नेक्स्ट। अब अगर हम बोले हैं कि सर किसी नोड के बाद में कोई नया नोड हमें डालना है तो हम कैसे डाल सकते? जैसे हमने बोला कि भाई थ्री के बाद में, अब कुछ नया नोड मुझे डालना है, लेकिन कब डालना है? थ्री के बाद में डालना है, ठीक है? थ्री के बाद में, क्या ऐसा बोल सकते हैं? थ्री और फोर के बीच में मुझे कोई नया नोड डालना है, तो वो कैसे हम कर पाएंगे? चलिए नेक्स्ट देखें। यहां पर मैं लिख देता हूं void insert, insert ऐसा लिख देते हैं, insert after, किसी के बाद डालना है। यहां पर मुझे नोड चाहिए कि प्रीवियस नोड कौन सा है, और डेटा चाहिए तो int value, ठीक है, किसी पर्टिकुलर नोड के बाद, जैसे कि थ्री के बाद में मुझे डालना है, तो वो कैसे करेंगे? भाई सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये प्रीवियस है या नहीं, ठीक, प्रीवियस नोड है या नहीं, ये हम चेक करेंगे। तो क्या लिखें? इफ प्रीवियस नोड क्या बराबर है नल के, मतलब यही खाली तो नहीं है, खाली मतलब ये है कि नहीं, अगर है तो कहां जाए? अंदर। अगर खाली है कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर खाली नहीं है मतलब कहीं भरा हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं? तो हम यहां पर क्या लिखें? यहां पर लिख देते हैं हम एक एक नया नोड हम क्रिएट करें, नोड n इक्वल टू न्यू नोड, n डॉट डेटा इक्वल टू वैल्यू, देन अब जो यहाँ पर काम आया वो क्या है? जो नया नोड है उसका जो नेक्स्ट है वो क्या बन जाए? प्रीवियस नोड का नेक्स्ट, या ऐसा बोल देते हैं कि प्रीवियस नोड का जो नेक्स्ट है, प्रीवियस नोड का जो नेक्स्ट है वो कहां स्टोर हो जाए? जो नया नोड है उसके नेक्स्ट में।
तो प्रीवियस नोड का जो नेक्स्ट है वो कहां स्टोर हो जाए, नए नोड के नेक्स्ट में, और प्रीवियस नोड के नेक्स्ट में स्टोर हो जाए नया नोड एन। रन कराते हैं इसको। रन कराने के लिए हमको क्या क्या चीजें चाहिए वो भी हम चेक कर लें। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि हेड के नेक्स्ट में, ऐसा करें, हमको कहां डालना है यहाँ, तो ये हेड है, हेड का नेक्स्ट और उसका नेक्स्ट ये कर देते हैं, हेड डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट ऐसा कर देते हैं। चलिए यहां पर मैं लिख देता हूं SLL डॉट इंसर्ट आफ्टर और यहां पर लिखें SLL डॉट हेड का नेक्स्ट। इसमें क्या स्टोर करवाना है, 6। सेव करें और रन करा के देखें। देखिएगा ये आ गया 6 क्लियर। तो हेड जो था उसका नेक्स्ट और उसके भी नेक्स्ट पे हमें क्या स्टोर करवाना है, 6 क्लियर। तो आपने इंसर्ट करने के तरीके कितने देखे, 3। पहला तो स्टार्टिंग यानी कि हेड से हम हेड से आप इंसर्ट करा सकते हैं, दूसरा कि आप टेल से इंसर्ट करा सकते हैं, देन एट द मिडिल ऑफ द लिंक लिस्ट ऐसा ही बोल सकते हैं, वहां से भी हम इंसर्ट करवा सकते हैं। तो यहां पर हमने इंसर्शन वाला पैटर्न कंप्लीट कर लिया, इंसर्शन कंप्लीट है। नाउ नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है डिलीशन। डिलीशन पार्ट पे आए, डिलीट हमें करना है कहाँ से, स्टार्टिंग से, डिलीट करना है कहाँ से, एंडिंग से, और डिलीट करना है किसी नोड के बाद से। तो कैसे हम डिलीट ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं, ये किसी पोजीशन पे। डिलीट तो नॉर्मली आपको मैं काम करता हूँ, होमवर्क दे देता हूँ कि डिलीट आप एक काम करिए कि आप तीनों जो डिलीट है वो परफॉर्म करिए, मैं आपको किसी पर्टिकुलर पोजिशन से डिलीट करवा के मैं बताता हूं। ओके डिलीट करें, तो एलिमेंट को हमें डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए हमें पोजीशन, क्योंकि इंडेक्सिंग तो होगी नहीं, पोजीशन आपको चाहिए होगी, तो किसी पर्टिकुलर पोजीशन वाले जो क्या बोलते हैं एलिमेंट या नोड को हमें डिलीट करना है, तो हम कैसे कर पाएंगे, वॉइड डिलीट नोड, नोड को डिलीट करने का, नोड को डिलीट करना है तो आप हमें क्या प्रोवाइड करवाइए, पोजीशन। ओके पोजीशन, अब देखो डिलीट करना है तो पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कहीं लिंक लिस्ट खाली तो नहीं, और लिंक लिस्ट खाली नहीं है तो ये कैसे चेक करोगे, हेड बराबर है क्या नल के, अगर हेड ही नहीं है इसका मतलब है कि लिंक लिस्ट ही नहीं। ओके यहां पर एम्प्टी रिटर्न करिए। नेक्स्ट नोड करंट इक्वल टू हेड, इनिशियल पोजीशन हम क्या रख देते हैं करंट की, हेड, और हम यहां पर चेक करें पोजीशन के अकॉर्डिंग इंडेक्स बेसिस पे। तो चलिए चेक करते हैं, एक लूप मैं यहाँ पर चला देता हूँ, फॉर लूप फॉर इंट आई इक्वल टू 0 आई, यहाँ पर मैं लूप चला देता हूँ करंट नॉट इक्वल टू नल एंड I is less than
पोजीशन माइनस, क्योंकि यहां पर हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं और वैल्यू ऑफ आई को क्या कर दिया जाए, इंक्रीमेंट। अब वैल्यू ऑफ आई को आपने इंक्रीमेंट कर दिया तो जो करंट है, करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट बन जाए, करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट। लेकिन अगर आपका करंट पहले से ही खाली है या आपका करंट डॉट नेक्स्ट की वैल्यू भी पहले से ही नहीं है तो क्या, तो इसका मतलब है कि ऑलरेडी खाली। हम यहाँ पर चेक भी कर लेते हैं कि इफ जो अभी आपका करंट बना है क्या वो बराबर है नल के, या ये भी चेक करें जो करंट है उसका जो नेक्स्ट पार्ट है क्या वो बराबर है नल के। अगर ऐसा है तो भाई कुछ भी नहीं है, खाली पड़ा हुआ। अब हम एलिमेंट को क्या करें, रिमूव कर दें। तो रिमूव करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, नोड नेक्स्ट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट, क्योंकि आप बीच वाला स्किप कर रहे हो तो नेक्स्ट के नेक्स्ट को आप कहाँ डाल दो, किसी नेक्स्ट में, या इसको मैं काम करता हूँ, इसको बार बार आपको नेक्स्ट समझ में ना आए तो मैं टेम्प कर देता हूँ, टेम्परेरी, टेम्परेरी में स्टोर करवा दिया। और इस टेम्परेरी को हम क्या डाल दें, करंट के नेक्स्ट में, करंट के नेक्स्ट में स्टोर हो जाए टेम्परेरी वैल्यू। ओके, डिलीट कराएं, डिस्प्ले कराते हैं पहले, फिर एस एल एल डॉट डिलीट नोड, और नोड डिलीट करा देते हैं थ्री, और थ्री डिलीट कराने के बाद यहाँ पे क्या किया हमने, डिस्प्ले करवा दिया। रन कराते हैं प्रोग्राम को। ओके, यहाँ पर दिक्कत है, मैं यहाँ पर जहाँ प्रिंट किया था यहाँ पर लिख देता हूँ सिस्टम डॉट, क्या लाइन चेंज हो जाएगी, अभी क्या है आउटपुट हमें एक ही लाइन में दिख रहा है, तो समझ में आना थोड़ा सा मुश्किल होगा। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, यहां पर क्या डिलीट हुआ, सिक्स, क्योंकि हमने जीरो से स्टार्ट किया था और जीरो से लेके साइज माइनस वन, तो जीरो वन टू थ्री, ये थ्री इंडेक्स की वैल्यू यहां से क्या हुई, गायब। बचा क्या, वन टू थ्री फोर फाइव, क्लियर। तो इस तरीके से हम परफॉर्म कर सकते, चलिए देखें इसको एक बार। नोड थ्री को हमें डिलीट करना है, तो पोजीशन की वैल्यू कितनी हुई, पोज की वैल्यू हुई यहाँ पर थ्री। क्या हेड खाली है, नहीं, ऑलरेडी भरा हुआ है इन एलिमेंट से। अब हेड को कहाँ रख दिया, करंट में, तो करंट नॉट इक्वल टू नल है क्या, यस, और जो आई है मतलब जीरो छोटा है क्या टू से, है, अंदर गया, तो करंट डॉट नेक्स्ट की वैल्यू, करंट डॉट नेक्स्ट की वैल्यू यानी कि हेड के जो नेक्स्ट की वैल्यू है वो क्या बन जाए, करंट। तो मैं आपको कुछ ऐसा बता दूं, यहाँ पे सबसे पहले क्या आया होगा, वन देन टू देन थ्री देन फोर देन फाइव और नल, ऐसा होगा, ठीक है, ऐसा होगा। तो अभी हेड की वैल्यू कितनी है, ये रही, ठीक है। अब ये आपका करंट हो गया, क्या करंट खाली है, नहीं, क्या जीरो छोटा है थ्री से, सॉरी टू से, है, अंदर गया, अंदर गया, तो करंट डॉट नेक्स्ट मतलब ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट कहाँ जाके स्टोर हो गया, करंट में। तो अब करंट की वैल्यू कितनी हो गई है, इतनी। आई की वैल्यू कितनी हुई यहां पर, वन, ठीक है। अब ये पूरा करंट है, क्या करंट नल के बराबर नहीं है, ट्रू, और वन छोटा है क्या टू से, यस, है, अंदर गया, तो ये पूरा करंट है, उस करंट का नेक्स्ट क्या है, ये रहा, ये कहां जाके स्टोर हो गया, करंट में। अब ये क्या बन गया, करंट, अब ये बन गया है करंट।
अच्छा यहाँ पर सिक्स भी था, सॉरी मैंने यहाँ थ्री के बाद हमने सिक्स भी लगाया था। ओके ओके, अब ये पूरा क्या बन गया करंट। अब आई की वैल्यू कितनी हुई टू, तो करंट नॉट इक्वल टू नल है क्या? यस, लेकिन क्या टू छोटा है टू से? फॉल्स, कंडीशन यहाँ पर क्या हुई? फॉल्स। अब चेक कर लिया कि जो करंट है, ये जो करंट है क्या नल के बराबर है, और करंट का जो नेक्स्ट है क्या ये नल के बराबर है, तो ये दोनों क्या हुए? फॉल्स, तो अंदर नहीं गया, इसका मतलब एम्प्टी का हम चेक कर रहे थे। अब करंट का जो नेक्स्ट है, करंट का जो नेक्स्ट है और इसका भी जो नेक्स्ट है, ये रहा, ये कहाँ स्टोर हो जाए? टेम्प में। तो टेम्प की वैल्यू क्या हो गई? टेम्प की वैल्यू हो गई ये, ठीक है ना। अब करंट क्या है? ये रहा। तो क्या बोला कि भाई करंट का जो नेक्स्ट मतलब इतना पार्ट है, इसकी जगह पे क्या आ जाए? टेम्प का पार्ट। इसकी जगह पे क्या आ जाए? टेम्प का पार्ट। ओके क्लियर। तो यहां से सिक्स क्या हो गया? गायब हो गया, थ्री फोर फाइव। क्लियर, समझ में आया कैसे सिक्स गायब हुआ, कैसे सिक्स डिलीट हुआ? क्लियर। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट पार्ट आता है इसी में कि सर अगर कुछ एलिमेंट को हमें सर्च करना है तो वो हम कैसे सर्च कर पाएंगे। एलिमेंट को हमें सर्च करना है तो कैसे हम सर्च कर पाएंगे वो चेक करें। चलिए देखते हैं, यहां पर एक और मैं बना देता हूं फंक्शन void, और क्या करना है? सर्च। ठीक है, सर्च करना है तो आप उस एलिमेंट को सर्च करा सकते हो या उसके डेटा को सर्च करा सकते हो। तो हम यहाँ पर क्या लिखवा दें कि यस अवेलेबल या नॉट अवेलेबल, ऐसा तो लिख देते हैं। सर्च सर्च, और क्या क्या चाहिए हमें? नोड हेड, हेड से हम रीड करना शुरुआत करेंगे, और इंट वैल्यू हमें चाहिए जो हमें सर्च करनी है। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं ईएल, एलिमेंट के लिए ईएल ही करते ना। नोड करंट, और इनिशियल वैल्यू ऑफ करंट की क्या रख दें हम? हेड। देन लूप चलाएं और हम बार बार चेक करते जाएं। क्या लिखेंगे हम? करंट नॉट इक्वल टू नल तक ये लूप चले, देन चेक करें कि करंट का जो डेटा है क्या वो बराबर है एलिमेंट के। तो करंट का डेटा क्या बराबर है एलिमेंट के? अगर है तो क्या लिखवा दें? फाउंड। अगर ऐसा नहीं है, पीछे फाउंड और फाउंड करने के बाद क्या लगा दो? ब्रेक। अगर ऐसा नहीं है तो हम या तो आप इधर एक फ्लैग बना देते हैं, हम इन आई इक्वल टू जीरो, इसको हम चलने देते हैं, और यहाँ लिख देते हैं आई इक्वल टू वन, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, मिल जाएगा तो आई इक्वल टू वन, अदरवाइज आई इक्वल टू जीरो रहेगा। तो यहाँ क्या लिख दें कि इफ आई की वैल्यू बराबर है वन के, इसका मतलब है फाउंड, अदरवाइज नॉट फाउंड। मैंने अंदर क्यों नहीं एसओपी लगाया? क्योंकि वो बार बार प्रिंट होता जाता। चलिए चेक करते हैं, सर्च को कॉल करें, एस एल एल डॉट सर्च, हमें भेजना है हेड, तो एस एल एल डॉट हेड, और क्या पास कर दें हम? सिक्स।
प्रिंट नहीं हुआ क्या? प्रिंट नहीं हुआ, ये मैंने अपडेट नहीं किया, एक गलती मैंने भी यहाँ पर करी। हमें अगला एलिमेंट भी तो चेक करना है, तो करंट की वैल्यू को मुझे अपडेट भी करनी है, तो करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट। अब रन कराते हैं। नॉट फाउंड, सिक्स नॉट फाउंड, तो सिक्स है वो नहीं मिला। अब कुछ ऐसा एलिमेंट देखें जो मिल जाए, फाइव, फाइव है, ठीक है, फाइव है, फाइव मिल गया। ओके जी, तो यहाँ पर सर्च भी हम क्रिएट कर पा रहे हैं। अब आपका टास्क क्या है, मैं आपको टास्क देता हूँ, आपका होमवर्क क्या है रहेगा, वो आपको करना है, और साथ में आपके चैट विंडो पर, सॉरी जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर भी आपको भेजना होगा। पहला टास्क है आपका, डिलीट एलिमेंट या डिलीट नोड फ्रॉम फर्स्ट, दूसरा डिलीट नोड फ्रॉम लास्ट, तीसरा डिलीट नोड आफ्टर अ नोड, फोर्थ सॉर्टिंग दी लिंक लिस्ट, एंड फिफ्थ है चेक लिंक लिस्ट इज पैलिंड्रोम और नॉट। ये आपके टास्क हैं, आप ये टास्क कंप्लीट करिए, देन इन टास्क को आप कंप्लीट करने के बाद अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर आप भेजिए। तो लिंक लिस्ट का इम्प्लीमेंटेशन इन डिटेल समझ में आया आप लोगों को, ये जो पार्ट है इस तरीके से जो समझा है, ये वीडियो मैं अभी आपको अपलोड कर दूंगा, तो आप इसको भी देख लीजिएगा। ओके, देन फिर हम मिलते हैं मंडे को। मंडे को हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक हमारा पूरा कंप्लीट हो जाए, लिंक लिस्ट पूरा कंप्लीट हो जाए, तो मंडे को भी हम लिंक लिस्ट ही पढ़ेंगे, और लिंक लिस्ट के अनदर टाइप्स जो हैं जो इम्पोर्टेंट है वो हम पढ़ेंगे। साथ में जो कलेक्शन फ्रेमवर्क की जो लिंक लिस्ट क्लास है उसके थ्रू भी हम प्रोग्राम कैसे सॉल्व करें वो हम सीखेंगे। आज के क्लास को यहीं पर ही हम एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास मंडे को, और वो भी रहेगी लिंक लिस्ट। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।